अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक किचन विद बानो। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। इस प्यारी सी दुआ के साथ जहाँ रहें खुश रहें। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ चना चाट की रेसिपी रमज़ान के हवाले से। वीडियो को पूरा देखा करें प्लीज़। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस किया करें। चना चाट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने काले चने लिए, जिनको सारी रात मैंने भिगो के रख दिया था। सुबह उठ के इनको उबाल लिया है। ये अच्छी तरीके से हम कर चुके हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे चीज़ें। एक आलू है, इनको मैंने उबाल लिया था। एक टमाटर है मीडियम साइज का। प्याज है मेरे पास, इसको मैंने काट के पानी के अंदर भिगो के रख दिया था, क्योंकि इसके अंदर जो भी स्मेल है वो अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाए। खाने जब हम इसको खाएँ तो अजीब सा जो मुँह में टेस्ट होता है ना, वो ना है। एक अदद है ये प्याज मेरे पास। बंद गोभी है थोड़ी सी, इसको भी साथ डाल देंगे। हरी मिर्च एक अदद, थोड़ा सा धनिया, चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये हो चुकी है, अब इसकी हम ड्रेसिंग तैयार कर लेते हैं। इमली की चटनी है आधा कप है, इसके अंदर डालेंगे मसाले। हाफ टी स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च। अब इनको मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो चुकी है, हम इमली की सॉस को इसके ऊपर डालेंगे। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से रखिएगा। इनको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, कितनी जल्दी से हमारी चाट बनके तैयार हो चुकी है। ये माशाल्लाह अच्छी तरीके से हमने कर लिए मिक्स। अब हम इसको निकालेंगे प्लेट में। लीजिए माशाल्लाह मैंने प्लेट में निकाल लिया चाट को, बेहद मज़ेदार। अब इसके ऊपर लास्ट में थोड़ी सी ये पापड़ी है होममेड, थोड़ी सी डाल देंगे। ये उसी वक्त डालेंगे जब हम सर्व करेंगे। और इस सैरों पे ऐसे लगा देंगे। थोड़ा सा ऊपर धनिया, इसकी खूबसूरती और अच्छी हो जाए। ये देखिए सैरों पे मैंने सारी पापड़ियाँ लगा दी हैं होममेड, बेहद मज़ेदार। देखें कितनी प्यारी शक्ल लग रही है। उम्मीद करती है कि आपको ये मेरी छोटी सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें और लाजमी बताएगा कि कैसी लगी ये रेसिपी। मिलते हैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।